गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग्स। यू आर वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो लॉकडाउन के बाद में जो है वो रिलीज होंगी, यहाँ पे लॉन्च होंगी। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में है इस टाइम। इनफैक्ट अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड की भी डिप्रेशन में ही है, क्योंकि लॉकडाउन हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ भी खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो पहले भी हिट ही हो रखी थी, आपको पता है कितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन उसमें आया हुआ था। अभी भी आप देख रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन खत्म होते ही ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पाथ पे आएंगी, वहाँ पर रस्ते पे आएंगी, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सही होंगी गाइस लॉकडाउन के बाद में। और ऐसे में मुझे पता है कि आप लॉकडाउन के बाद में गाड़ियाँ खरीदना स्टार्ट करोगे, तो मेरी तरफ से ये कुछ क्विक एक क्विक वीडियो होगी जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन सौदा हो सकता है, एक अच्छी अपडेटेड गाड़ी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बिकॉज ये गाड़ियाँ एक्चुअली BS6 में एक नए फेसलिफ्ट, एक नए जनरेशन, कुछ नए फीचर्स एस्पेक्ट्स के साथ में लॉन्च होनी बहुत मुमकिन है गाइस। तो ऐसे में स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ ऑटोमोबाइल का कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री लेवल हैचबैक में कौन सी गाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गाइज, एंट्री लेवल हैचबैक में ऑलरेडी आपके पास में दो ऑफरिंग्स होती हैं, यहाँ पे क्विड एंड ऑल्टो। यहाँ पर तीसरी ऑफरिंग जो है वो रेडिगो होती है, जो डैटसन की प्रोडक्शन है, और डैटसन उसको एक 800 cc एंड 1000 cc सेगमेंट में लॉन्च करता है। देखिए, डैटसन एक फेसलिफ्ट के साथ में यहाँ पर आ रहा है, यानी कि डैटसन रेडिगो एक फेसलिफ्ट के साथ में आएगी। छोटे मोटे ट्वीक्स आपको कॉस्मेटिक्स के यहाँ पर देखने को नजर आएंगे, और कुछ फीचर अपडेट जो है वो आप यहाँ पर देखोगे। इंजन ऑप्शंस काफ़ी सेम रहने वाले हैं, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन AMT यानी कि आपको 1.0 लीटर इंजन के साथ में मिलेगा। एक अच्छी चॉइस उन लोगों के लिए हो सकती है जो डेली रनर्स हैं, जिनको डेली कमीट करना है, या एक छोटी गाड़ी चाहिए उनको एक ऑल्टरनेट काम के लिए कि इधर उधर जाना है, उसके लिए एक ये बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पर साबित होती हुई नज़र आती है। ये गाड़ी उनमें से एक है जो LED DRLs के साथ में आती है, जो कि एंट्री लेवल हैचबैक में बहुत कम आपको देखने को यहाँ पर मिलती है गाइस। गाइस, अगर मैं सेकंड सेगमेंट की यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पर मैं डालूंगा प्रीमियम हैचबैक्स को, क्योंकि मिड लेवल हैचबैक में जितनी एंट्रीज थी वो आ चुकी हैं आपके पास में ऑलरेडी। वैगनार एंड सेंट्रो जैसी एंट्री है, साथ ही आपको टियागो, इग्निस, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है। प्रीमियम हैचबैक्स की जब बात होती है ना, तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो हैं, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। बलिनो ऑलमोस्ट आउटडेटेड, जैस आउटडेटेड प्रोडक्ट है, एंड इलीट I20 भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे में दो ऑफरिंग्स यहाँ पर जो है वो जापानीज मैन्युफैक्चरर जैसे कि होंडा एंड कोरियन मैन्युफैक्चरर यानी कि ह्यूंडई, ये दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। ह्यूंडई आपके पास में इलीट I20 के ऑप्शन के साथ में आएगा। इलीट I20 ऑलरेडी अपनी सेकेंड जनरेशन इंडियन फेस उसमें है। थर्ड जनरेशन इलीट I20 जो है वो इंडियन फेज में जुलाई में आनी निश्चित थी, लेकिन अब जुलाई से जो है वो उसके मेरे ख्याल में रिलीज डेट या लॉन्च डेट जो है वो एक्सटेंड की जाएगी, आगे बढ़ सकती है गाइस, बहुत चांसेस है इसके, क्योंकि अब ऑनलाइन लॉन्च जो पहले जैसे कि ह्यूंडई का प्लान किया था, ह्यूंडई वरना का प्लान किया था, उस तरीके से अगर सभी गाड़ियों का कर देंगे तो वो एक प्रमोशन जो एक वो एक पिक मिलता है सेल्स में, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ह्यूंडई जो है वो ऑफलाइन ही इसको लॉन्च करेगी, ऑनलाइन लॉन्च नहीं करेगी। ऑनलाइन इन द सेंस की यू नो जर्नलिस्ट को बुलाकर लॉन्च करेगी, तो क्योंकि ऑलरेडी एक इलीट या फिर प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है, और एक्सपेक्टेशंस इस सेगमेंट के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलीट I20 सच में काबिलियत तारीफ प्रोडक्ट है। ऐसे में इलीट I20 से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, नए फीचर अपग्रेड्स यहाँ पर आएंगे, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, एंड एक 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन जो है वो आने मुमकिन है। कनेक्टेड फीचर्स के साथ में भी ये गाड़ी जो है वो काफ़ी आएगी, और कनेक्टेड फीचर्स यानी कि ब्लू लिंक एप्लीकेशन के साथ में आएगी, अच्छे इंटीरियर्स, ओवरऑल एक अच्छे लुक्स आपको यहाँ पर गाड़ी देगी, और बहुत चांसेस हैं कि ये आपको लमसम 5.6 लाख रुपीज़ के आसपास लॉन्च होती हुई नज़र आए। ऐसा हुआ तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग जो है वो ह्यूंडई की तरफ से रहने वाली है। एक जो अपडेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर है वो है टाटा अल्ट्रोस, और टाटा अल्ट्रोस के अलावा आप यहाँ पर इस सेगमेंट में मेजर कॉम्पिटिशन इलीट I20 का देखोगे बलिनो, जैज, इन दो गाड़ियों के साथ में ही। सबसे ज़्यादा बिकने वाली इस सेगमेंट में जो है वो बलिनो ही है, उसके बाद इलीट I20 है, फिर ग्रेविटास, सॉरी टाटा अल्ट्रोस, एंड फाइनली जैस, होंडा जैस। सेकेंड जो यहाँ पर मैं पोजीशन कर रहा हूँ वो है होंडा जैस। गाइज, होंडा जैस ऑलरेडी जो है वो अपनी सेकेंड जनरेशन में है, एक फेसलिफ्ट भी लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे ख्याल में होंडा ने यहाँ पर लॉन्च किया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मेजर अपडेट्स के साथ में नहीं आया था। अब फेसलिफ्ट जो आ रहा है वो LED DRLs के साथ में यहाँ पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। पहले जैस में से जो है वो छोटे छोटे वेरियंट्स
निकाल दिए गए थे एंड वो टॉप एंड्स में ही मिलती थी, जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग बहुत हैवी हो गई थी। अब ऐसे में होंडा मेरे ख्याल में जो है वो पहले की तरह छोटे वेरियंट्स भी यहाँ पर लॉन्च करेगा। एलईडी डियाज के साथ में आपको एक नई ग्रिल मिलेगी यहाँ पर। हालांकि बाकी जो ओवरऑल सलहाउटे है गाड़ी का वो काफ़ी सेम रहने वाला है, सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, इंजन ऑप्शन भी इनफैक्ट सेम रहने वाला है। एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन सीवीटी के साथ में ऑफर किया जाएगा। चांसेस है कि जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो मैनुअल एंड सीवीटी के साथ में आ जाए, जैसे कि आपने होंडा जैज में देखा था, तो ऑप्शंस आपके पास में ऑटोमेटिक में यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएंगे। होंडा जैज देखने में अप्रोप्रिएट लगती है, बट उसके फीचर्स काफ़ी आउटडेटेड हैं। कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी आउटडेटेड लगती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एलॉय व्हील्स का स्टाइल देख लें या ग्रिल देख लें, अभी तक उसमें आप एलईडी डीआरएल जैसे फंक्शन नहीं आए थे, जबकि जो इस सेगमेंट की पहले वाली गाड़ियां हैं उनमें पहले से ही एलईडी डीआरएल जो है वो दे दिए जाया करते थे। ऐसे में काफ़ी देर होंडा ने यहां पर ये सब चीज़ें डालने में जो है वो कर दी है। एलईडी टेल लैंप्स वगैरह जो है वो इस बार आ जाएंगी, देखते हैं। कनेक्टेड फीचर्स तो मुझे मुमकिन नहीं लगता अभी होंडा जो है वो कनेक्टेड फीचर्स के साथ में लेके आएगी, बट यू नेवर नो, क्या पता ऐसा हो। और मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डीजल के साथ में एक सीवीटी ज़रूर यहाँ पर ऑफर कर दे। अगर मैं अगले सेगमेंट की यहाँ पर बात करूँ तो वो है सी सेगमेंट सेडान। अगर आप अभी तक सियाज, वरना, वेंटो इन गाड़ियों के साथ में स्टिक हो तो आप होंडा सिटी के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हो। होंडा सिटी एक नई जनरेशन के साथ में यहाँ पर आने वाली है, एक ओवरऑल चेंज जो आप गाड़ी के अंदर देखोगे ना वो कम्प्लीटली नया है एंड अनमैचेबल है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो हैं वो कम्प्लीटली फर्स्ट इन क्लास होने वाले हैं, जिनमें से आप जी मीटर देखोगे। हालांकि जो गाड़ी के साथ में आने वाले कनेक्टेड फीचर्स हैं ना वो काफ़ी लिमिटेड मुझे लगता है कि होंडा रखेगा। जियो फेंसिंग, स्पीड लिमिटर्स, ये सारी चीज़ें जो वो हैं वो ऑलरेडी देगा। यहाँ पर मेजर कंपटीशन होंडा सिटी का जो है वो ह्यूंडई वरना के साथ में आ रखा है, एंड अभी जो इंजन ऑप्शंस यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं सेम इंजन ऑप्शंस जो है वो होंडा सिटी के साथ में आएंगे। बस चांसेस हैं कि जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है BS6 में वो आपको सीवीटी के साथ में ऑफर हो जाए विदाउट एनी डिडक्शन इन पावर फिगर्स, जैसे कि होंडा अमेज के साथ में हुआ था। सो यस, आप एक ऑटोमेटिक यहाँ पर उम्मीद कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर होंडा सिटी में आने वाले हैं। अगर मैं इसके कंपटीशन यानी कि ह्यूंडई वरना की बात करूँ तो उसके लिए भी आप जो है वो वेट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है 9.99 लाख रुपीज़ में, बट BS6 जो है वो अभी तक डीलरशिप से प्रॉपरली पहुंच नहीं पाए थे। उससे पहले ये जो है वो लॉकडाउन वगैरह हो गया था, ऑन द प्रोसेस थे, और बस यही है कि लॉन्च गाड़ी हो चुकी है। द मोमेंट ये लॉकडाउन आप निकलेगा तो ह्यूंडई वरना जो है आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी। ह्यूंडई वरना एक बहुत अच्छा पैकेज के साथ में आई है, मतलब गाड़ी को देख के आप लिटरली कहोगे कि एक प्रॉपर फेसलिफ्ट है। होंडा की तरह वो नहीं करेगी, छोटे मोटे ट्वीक्स करके उसको फेसलिफ्ट बता देती थी जैसे होंडा ने जैज के साथ में किया था, तो वो सब चीज़ें नहीं है, होगी एक प्रॉपर फेसलिफ्ट है जिनमें कि हेडलैम्प्स यूनिट कम्प्लीटली चेंज हुई है, ग्रिल चेंज हुई है, टायर्स या फिर एलॉय व्हील्स आप देखोगे वो चेंज हुए, पीछे का स्ट्रक्चर, बम्पर, एक प्रॉपर जो है वो जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फेसलिफ्ट, वो यहाँ पर इस गाड़ी के साथ में आया। प्लस यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स आई हैं, बहुत सारी ऐसी फीचर्स आई हैं जो वरना में पहले प्रेजेंट नहीं थी। सो यस, वरना के लिए भी आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो ऑफ रोडर्स हैं, जैसे कि महिंद्रा थार या फोर्स गुरखा, ये दोनों भी आने इसी फाइनेंशियल ईयर में बहुत मुमकिन है। महिंद्रा थार जो है वो 2.0 लीटर के डीजल इंजन के साथ में आएगी, जो कि 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में प्लांट किया जाएगा। महिंद्रा थार इस बार आपको जो है वो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स के साथ में देखने को नजर आएगी जो इसको एक डेली कम्यूटर भी बना सकता है। पिछली बार जो फीचर्स थे या जिस तरीके की ड्राइव थी महिंद्रा थार की, वो एक डेली कम्यूटर को कंफर्ट नहीं करती है। थकान भरी ज़िंदगी रहती है डेली कम्यूटर्स की, चलना होता है पूरे दिन, तो ऐसे में एक कम्फर्टेबल गाड़ी जो है वो ज़रूर यहाँ पर सही होती है। और इस बार महिंद्रा से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो कुछ ऐसे फीचर्स डाल दे। हालांकि महिंद्रा थार जो जिस सेगमेंट में आती है या जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है वो है प्रॉपर ऑफ रोडर, एंड एक वो ऑफ रोडर है 4x4 सेगमेंट में आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी एक नए इंजन के साथ में। आप यहाँ पर जो है वो फोर्स गुरखा को भी ऑप्ट कर सकते हैं। फोर्स गुरखा एक 2.6 लीटर के डीजल इंजन के साथ में आएगी जो 90 पीएस की पावर प्रोड्यूस करेगा। काफ़ी कम पावर फिगर्स हैं कंपैरेटिव महिंद्रा, क्योंकि 140 bhp के आसपास महिंद्रा थार जो है वो यहाँ पर डिलीवर करेगी जो नए इंजन ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से। सो यस, लेकिन कॉस्मेटिक अपडेट्स जो हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आएंगे, फोर्स गुरखा में भी एंड महिंद्रा थार दोनों में। अब बात कर लेते हैं कुछ SUVs की, कुछ 7-सीटर्स की, जिनमें से एक टाटा ग्राविटास है। टाटा ग्राविटास आप हैरियर ही मानो, हल्का सा उसको स्ट्रेच आउट कर दिया है ताकि वो थर्ड रो जो है वो यहाँ पर इम्प्लांट की जा सके। टाटा ग्राविटास के अंदर सनरूफ का ऑप्शन
एज ऑफ नाउ तो शायद मुश्किल है, क्योंकि जो गाड़ी ऑटो एक्सपो में शोकेस की गई थी उसमें तो एटलीस्ट सनरूफ ऑप्शन नहीं दिया गया था, बट यू नेवर नो, जब तक ये आए तब तक क्या पता क्या टाटा ग्रेविटास में सनरूफ का ऑप्शन भी आ जाए, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाए 6 स्पीड का जो आपने हैरियर में देखा। 2.0 लीटर का फीएट सोर्स जो ये इंजन है वो 170 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, काफ़ी अच्छा जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो पावर फिगर्स देती है, एंड इंजन काफ़ी सुपर्ब है, रिफाइंड इंजन है, मतलब ठीक है डीजल इंजन आर नॉट दैट रिफाइंड बट यस दोज आर रिफाइंड, दैट इंजन इज़ रियली क्वाइट रिफाइंड एंड वो काफ़ी एंथुजियास्टिक फ्रेंडली इंजन है, तो आप इस गाड़ी के साथ में भी जा सकते हैं एज ए 7 सीटर। यहाँ पर मैं एक और एड ऑन कर दूँ, अगर आपको और प्रीमियम चाहिए और कम्फर्ट चाहिए, स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पर हेक्टर प्लस के लिए भी वेट कर सकते हो। हेक्टर प्लस जो है वो मई के महीने में लॉन्च होनी थी बट अब जिसकी लॉन्चिंग जो है वो डिले कर दी जाएगी 2 से 3 महीने आगे या 1-2 महीने आगे, एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन है तब तक। तो और अगर मैं MG हेक्टर प्लस की बात यहाँ पर करूँ तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे जिनमें से इंटरनेट या कनेक्टेड फीचर्स होंगे, इंटरनेट इनसाइड की फीचर होगी, सनरूफ या पैनोरामिक रूफ जिसे कहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी, टेल गेट जो है वो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिकली खोल सकेंगे। तो हालांकि ये गाड़ी जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेक्टर जैसी ही नज़र आने वाली है, लेकिन हेक्टर से ये काफ़ी बेहतरीन लुक्स के साथ में आएगी, क्योंकि आप आगे से फ्रंट लुक में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, थोड़ी सी अपग्रेडेड आपको ये गाड़ी जो है वो हेक्टर से लगने वाली है। अब मैं फुल साइज़ SUV की अगर यहाँ पर बात करूँ तो एक MG की ही ऑफरिंग ग्लॉस्टर यहाँ पर देखने को आपको नजर आएगी, ये 2.0 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में ऑफर की जाती है, इंटरनेशनल जो कि पेट्रोल इंजन है, 224 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। इंडिया में इस सेगमेंट में जो है वो ज़्यादातर लोग डीजल इंजन ही प्रेफर करते हैं, जैसे में 2.0 लीटर का इन हाउस प्रोड्यूस्ड MG का जो है वो इंजन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तब जो डीजल इंजन जो है वो 218 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड वो चांसेस है कि इसके अंदर आए, एंड ये गाड़ी जो है वो दिवाली तक लॉन्च होनी थी, अब देखते हैं कि ये कितना डिले होगी क्योंकि दिवाली में अभी काफ़ी टाइम है एंड अभी फॉरकास्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए। मैंने एक सेगमेंट यहाँ पर छोड़ दिया था एंड वो था कॉम्पैक्ट SUV। कॉम्पैक्ट SUV में भी 3 ऑफरिंग यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी, जिनमें से होंडा WRV प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स के साथ में ये गाड़ी आएगी एंड आपको LED टेल लैम्प्स नज़र आएंगी, LED DRLs आपको यहाँ पर नजर आएंगी, नई ग्रिल नज़र आएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंडा की तरफ से WRV में ऑफर की जाएगी। हालांकि ये सेम इंजन ऑप्शन के साथ में आने मुमकिन है, जो कि एक 1.2 लीटर का काफ़ी वीक इंजन ऑप्शन इसके साथ में लगता है, वो इंजन ऑप्शन थोड़ा सा सिटी ड्राइव के लिए तो फेवरेबल है बट हाईवेज पर जब आप क्रूज़ करते हो लोग ज़्यादा होते हैं गाड़ी के अंदर तब थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था। डीजल इंजन 1.5 लीटर के साथ में आता है, देखो कि उसको CVT के साथ में मेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मुझे उम्मीद है कि होंडा इस बार कर दे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो होंडा को डीजल में प्रेफर नहीं करते हैं एंड अगर उन्हें डीजल में चाहिए होती है तो फिर वो ऑटोमेटिक साथ में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसे में ऑटोमेटिक के साथ में केवल अमेज ही उनके पास में एक ऑप्शन बच जाता है जिसमें प्रॉपर ऑटोमेटिक दिया गया है। सो होंडा WRV भी आना, अभी ऑलमोस्ट आनी ही थी वो 1-2 महीने के अंदर अंदर, लाइक मार्च अप्रैल तक आपको लॉन्च होती हुई वो नज़र आती, बट ये लॉकडाउन एंड ये COVID-19 का जो सीन हुआ उसकी वजह से इसका जो लॉन्च डेट है वो एटलीस्ट जो है वो डिले हो गई है। सो एक और ऑफरिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है किया सोनेट, बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट है, 3 इंजन ऑप्शन इसमें आएंगे, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का ही डीजल एंड एक 1.0 लीटर का पेट्रोल जो कि 3 सिलेंडर इंजन होगा, बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ में आएंगे, एक वेल प्रोपोर्शनेट गाड़ी होने वाली है। मेरे ख्याल में ये गाड़ी जहाँ तक मैं इसको फॉरकास्ट कर पा रहा हूँ शायद ब्रेजा को बीट कर दे एटलीस्ट इन सेल्स फिगर्स, मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ड्राइव की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्स फिगर की बात कर रहा हूँ, तो ब्रेजा को बहुत मुमकिन है कि ये गाड़ी जो है वो सेल्स में बीट कर दे, बिकॉज यही एक ऐसी गाड़ी है जो पोटेंशियल रखती है लुक्स के मामले में भी, फीचर्स के मामले में भी, इंजन ऑप्शंस के मामले में भी, एंड यस तो मुझे इससे काफ़ी उम्मीद है। रेनो डस्टर भी जो है वो ऑलरेडी अपने डीजल इंजन को यहाँ पर क्विट कर चुका है एंड ऐसे में रेनो डस्टर में पेट्रोल इंजन ही आते हैं, एक 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ये काफ़ी अच्छा और एंथुजियास्ट फ्रेंडली पेट्रोल इंजन है, तो आप इसके साथ में भी जा सकते हो। हालांकि ये जो इंजन है वो इम्पोर्ट मोस्ट लाइकली जो है वो किया जाना चाहिए, शायद बाद में रेनो इसको अपने प्लांट में भी बनाने लगी। सो गाइज ये तो था कुछ अपडेट्स, लॉकडाउन के खुल बाद जितनी भी गाड़ियां आने वाली हैं यही कुछ गाड़ियां होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप यहां पर वैगनार एंड टाटा अल्ट्रोज EV को देख सकते हो या टियागो EV को देख सकते हो, ये 2-3 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो लॉकडाउन खुलने की बस देरी है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेके आऊँ, कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँ, न्यूज़ बताऊँ आपको, लेटेस्ट जो भी इस इंडस्ट्री में हो रहा हो फिलहाल।
सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिखिएगा vivu_sani। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में। एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।